हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लास क्लास सेवन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर थर्ड कंटिन्यू हम डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.1। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के थ्री मेथड्स, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। तो फर्स्ट हमने मेथड आपसे डिस्कस किया था अर्थमेटिक मीन, उसका एक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था 3.1 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। Following table shows the points of each player score in 4 games. ये टेबल आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। प्लेयर गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4। प्लेयर हमारे पास कौन कौन से, ए बी सी। प्लेयर ए ने गेम 1 में 14, 16, 10 एंड 10 गेम के अकॉर्डिंग, बी का हमारे पास रिकॉर्ड गिवन है, सी का रिकॉर्ड गिवन है। तो हमें इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने हैं। Now answer the following questions. First part, find the mean to determine A's average. आपको mean find करनी है, लेकिन किसकी, A average, clear A की। Second, to find the mean number of points per game for C, would you divide the total points by 3 or by 4? Why? Reason भी बताएं। तो one by one हम इन क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। ये complete question आपके पास given है। तो first part हम discuss करते हैं इसका। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर। जो प्लेयर ए है उसका हमें मीन फाइंड करना है। तो अर्थमेटिक मीन का जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था आपसे, मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशंस डिवाइड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन का फाइंड करने का। तो देखिए, हमें ए का जो हमें किसका फाइंड करना है, प्लेयर ए का। तो ए के हमारे पास गेम 1 में 14, 2 में 16, 3 में 10 एंड गेम 4 में 10। तो हमारे पास गिवन नंबर है 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइड में नंबर हमारे पास कितने, 1, 2, 3, 4। तो हम 4 का क्या करेंगे, डिवाइड। देखिए सम करिए, यहाँ रफ में हम सम कर लेते हैं 14, 16, 10 एंड 10। 6 प्लस 4 10, 1 के जी, 1, 2, 3, 4 प्लस 1 5, 50। तो हमारे पास आया नंबर 50/4। अब देखिए 50 में 4 का डिवाइड आप कर सकते हो, 50 में 4 का डिवाइड किया, 4 बन जा 4, 1 रिमाइंडर 10, 4 2 जा 8, 2 के लिए पॉइंट लगेगा, 4 5 से 20, देन 12.5 जो हमारे पास मीन फाइंड हुआ ए का, वो 12.5 आंसर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास टू फाइंड द मीन, ये फर्स्ट का हमारे पास आंसर आ चुका है। सेकंड, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4, वाई। तो हमें बता रहे सी का, जो सी प्लेयर है हमारे पास गेम 1 में 8, गेम 2 में 11, बट गेम 3 में डिड नॉट प्ले एंड गेम 4 में 13। तो ये पूछ रहा है आपसे मीन फाइंड करने के लिए आप किससे डिवाइड करोगे, 3 से और या 4 से। तो देखिए हम, हमारे पास टोटल गेम 4 थे, लेकिन एक गेम वो नहीं खेला, डिड नॉट प्ले, तो हम डिवाइड करेंगे ओनली 3 नंबर से, 1, 2, 3। तो इसका आंसर हम राइट करेंगे सेकंड का। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, सी के लिए वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3। तो हम लिखेंगे टू फाइंड मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी डिवाइड, तो किससे डिवाइड करेंगे, ओनली डिवाइड बाय 3, बिकॉज क्योंकि वो थर्ड जो गेम है वो खेला नहीं, डिड नॉट प्ले, तो ओनली 3 गेम्स का हम डिवाइड करेंगे, किसका, ओनली 3 का, दैट इज आंसर।
ऐसे ही इसके बाकी के भी पार्ट्स हमारे पास, थर्ड फोर्थ पार्ट भी है, वो भी आपको करना है। उसमें भी आप मेन ही फाइट करना है, जैसे बी टीम का भी गिवन था उसमें, तो आपको अटेंड करना है जस्ट फॉर्मूला यूज करके। तो इसके बाद जो सेंट्रल टेंडेंसी है, हमारे पास थ्री मेथड्स, अर्थमेटिक मीन हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे मीन, अर्थमेटिक मीन डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद मीडियन एंड मोड आगे डिस्कस करेंगे। थ्री मेथड में फर्स्ट मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, और बाकी के टू मेथड है हमारे पास मीडियन एंड मोड, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।